अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है कासिम सिद्दीक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ऑनलाइन अर्निंग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनवैलिड एक्टिविटी के हवाले से। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको अपना ऑल टाइम जो अर्निंग बता रहा हूँ, यानी कि जब से मैंने काम शुरू किया था वहाँ से लेकर आज तक मैं कितनी अर्निंग कर चुका हूँ। तो कई लोग मेरी वीडियोज़ को देख के हैरान होते हैं जब वो देखते हैं कि यार इसे तो 4-5 क्लिक्स पे $20-25 मिल गए हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जब बिल्कुल स्टार्ट में हमने काम शुरू किया था तो हमारी अर्निंग कितनी थी, आप देखें। एस्टिमेटेड अर्निंग बता रहा है 0.07, और ये अगर आप यहाँ से देख लें रो के हिसाब से, यानी यहाँ पे आप अगर डेट सेलेक्ट कर लें तो वहाँ से आपको मैं पर डे के हिसाब से बताऊँगा कि कैसे हमारी अर्निंग इंक्रीज़ होती गई। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हमारी अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हुई थी। तो दोस्तों, अभी ऐसे है कि मैं आपको अपनी बिल्कुल जो स्टार्टिंग है वहाँ से जो है वो अर्निंग दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास अभी चल रहा है अप्रैल का महीना। तो हम यहाँ से ऐसे करते हैं दोस्तों, जनवरी से मैंने काम शुरू किया था, यानी दिसंबर के एंड से मैंने काम शुरू किया था। तो वहाँ से मैं आपको आखिर तक जो है वो पहले महीने की अर्निंग स्टोरी स्टोरी आपको बता दूंगा, और साथ साथ मैं आपको इनवैलिड एक्टिविटी के हिसाब से भी जो मसले होते हैं, इनवैलिड क्लिक या इनवैलिड एक्टिविटी क्या होती है, वो सारी बातें भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों की आज अर्निंग फाइनलाइज हुई है तो वो बहुत थोड़ी आई है। तो दोस्तों देखें, ये मेरी पहले महीने की अर्निंग है। तो ये दोस्तों, फर्स्ट जनवरी को हमने 8 क्लिक्स किए थे, तो उस 8 क्लिक्स पे हमें सिर्फ $0.07 मिले हैं, 7 रुपये भी नहीं बनते हैं। नेक्स्ट डे हमने इतना खास काम नहीं किया, बाकी दिन में ऐसे ही गुजरते रहे। फिर आगे आप देखें कि 11 क्लिक्स पे हमें मिले हैं $0.93, और फिर उसके बाद 33 क्लिक्स पे आप देखें $3.63 मिले हैं, और इसी तरह नॉर्मल सी पी सी यही थी। 18 क्लिक्स पे 2.32, 11 क्लिक्स पे 1.24, और 12 क्लिक्स पे 1.23, और इसी तरह आप देखें 41 क्लिक्स पे $5, यानी कि बहुत ही कम, यानी देखें 82 क्लिक्स पे सिर्फ $15। शुरू में मेरी सी पी सी भी इसी तरह है जिस तरह की आजकल लोगों को मिलती है, या नए लोग जो काम शुरू करते हैं उनको सी पी सी मिलती है। आप सारा ये प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, अपने एक एक महीने का, ये भी जनवरी के मंथ का दिखा रहा हूँ आपको। और दोस्तों, शुरू में जो सबसे अहम बात है, आप देख लें, ये अर्निंग है जनवरी की। तो एक तो हमारी अर्निंग बहुत कम थी, और दूसरा जो है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से उन्होंने अर्निंग काटी बहुत थी। तो वो अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आप जाके ऑल ट्रांजेक्शन में, सॉरी, यहाँ से आप ऑल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक किसी मखसूस महीने का सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी मखसूस टाइम पीरियड का आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से दिस ईयर कर लेते हैं, यानी कि इसी साल के शुरू से मैंने काम किया था। तो दोस्तों, ये देखिए, आप जनवरी की अर्निंग है मेरी $218, और उसमें से $55 कट गए हैं। तो ये दोस्तों इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक जो भी होता है, इनवैलिड ट्रैफिक, उसकी वजह से हुआ है। अब ये दोस्तों क्यों हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, CTR मैंने अपने हिसाब से जो है वो मेनटेन रखा था, यानी कि यहाँ पे आप देख लें इसका CTR 1.49 है, इसका 2.0, यानी कहीं भी आपको CTR जो है वो 2% से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद मेरी इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से जो है वो अर्निंग काटी गई है। तो वो क्यों काटी गई है दोस्तों, अब होता ऐसे है कि इस तारीख की मेरी ये ओवरऑल अर्निंग दिखा रहा है कि 33 क्लिक्स पे इतने हैं, और CTR बता रहा है 2.10। तो दोस्तों, ये ओवरऑल CTR बता रहा है, यहाँ पे कंट्री के हिसाब से CTR हमें नहीं पता कि एक कंट्री का CTR कितना है। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना होता है कि आपने एक मखसूस फ़िल्टर लगा के अपने जो है CTR को मेंटेन करना होता है, देखना होता है। तो आप कंट्री का अगर वहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे तो आपको किसी मखसूस दिन की अर्निंग देखनी है, यानी कि हम एक एक दिन के हिसाब से यहाँ से देख लेते हैं, जनवरी फर्स्ट तक ही देख लेते हैं फ़िलहाल। तो 1 जनवरी को अगर कंट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी इतनी खास जो है वो अर्निंग ही नहीं थी। तो इसको हम डेट के हिसाब से देख लेते हैं, तब भी यहाँ पे दोस्तों आप देख लें कुछ नहीं बता रहा। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से 2 जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं, शायद 1 जनवरी को हमने काम नहीं किया था। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी को मेरे 8 क्लिक्स पे $0.07 थे। तो कंट्री के हिसाब से हम देख लेते हैं क्या हिसाब था।
तो देखें दोस्तों अब हमारी जो CTR है वो किस वजह से डिडक्शन हुई है। अब दोस्तों एक बात है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़र्ज किया या ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ ये डेट। अक्सर लोग जब इस रिपोर्ट को खोलते हैं, यहाँ से आप एड मोड में जाएँ, जैसे ही एड मोड की रिपोर्ट्स आप खोलते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो कस्टम डेट रेंज होती है वो लास्ट 7 डेज़ होती है और यहाँ पे होती है डेट। तो लोग उसी चीज़ को देखते रहते हैं, हम भी शुरू में उसी तरह देखते थे। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो हमारा CTR बता रहा है इस दिन का 29.63%। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा CTR है, इस वजह से ही इनवैलिड के लिए ट्रैफिक क्रिएट होती है और इसी वजह से आपकी डिडक्शन भी होती है। तो अब यहाँ से कोई बंदा रिपोर्ट्स पे जाता है, रिपोर्ट्स पे क्लिक करता है तो जो डिफ़ॉल्ट में रिपोर्ट्स होती हैं वो लास्ट 7 डेज़ के हिसाब से होती हैं और यहाँ पे आपका जो यूनिट होती है या फ़िल्टर होता है वो डेट सेलेक्ट होता है। तो ये देखिए अभी लास्ट 7 डेज़ का बता रहा है और यहाँ से बता रहा है 1.4%, यानी हर तारीख का आपको यहाँ पे CTR बता रहा है। तो दोस्तों ये CTR जो होता है ये ओवरऑल होता है, यानी कि एवरेज CTR होता है, यानी इस दिन का तमाम ऐप्स का मिलकर जो CTR है उसको डिवाइड करेंगे आप ऐप्स के नंबर पे तो आपका CTR आ जाएगा 1.40। तो दोस्तों यहाँ पे कटने वाली क्या बात थी वो ये है कि लोग यहाँ से डेट को देखते हैं। आप कभी भी अपना काम चेक करें, आप डेली खुद काम कर रहे हैं या आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है तो यहाँ से जाके आप कंट्री का फ़िल्टर सेलेक्ट करके वहाँ से लाजमी चेक करें कि किस कंट्री के कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशन हैं। अब देखें कनाडा के 8 इंप्रेशन हैं और 6 क्लिक्स हैं तो यहाँ का CTR कितना है 75% है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का CTR जो है वो 11% है, लेकिन ओवरऑल CTR आप देखें ज़्यादा है। यानी सिर्फ इस एक की वजह से सारा CTR जो है वो ख़राब हुआ है। और इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की जानेब, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे CTR का क्या इशू था। फ़िल्टर आपने याद रखना है कि फ़िल्टर आपने कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट करना है ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से कंट्री से आपने क्लिक की है और किस कंट्री का आपको अभी इंप्रेशन देना है या किस कंट्री से आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये बाकी डेट्स में तो अभी नहीं शो कर रहा, शायद इन तारीखों में हमने काम नहीं किया था, स्टार्टिंग का काम था। तो अभी देख लें यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हमने काम को जो है वो मैनेज करना शुरू कर लिया था। यानी आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का भी CTR जो है वो 2% है और बाकी तकरीबन सबका ही 3% से कम है CTR। तो दोस्तों ये तरीका होता है CTR कंट्रोल करने का। बाकी आप किसी स्पेसिफिक मंथ का अगर आप कहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ओवरऑल दोस्तों CTR कंट्रोल करने का यही तरीका है कि आप कंट्री के हिसाब से देखें। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, यानी ये भी अभी जो बता रहा है तो ये ओवरऑल एक दिन में किसी मखसूस ऐप का बता रहा है। यहाँ से अगर आप ऐप का फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी ऐप यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसका CTR उस दिन में देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे चले जाते हैं, यस्टरडे में कल का दिन गुजरा है तो यहाँ पे अभी ये कंट्री के हिसाब से शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कोई भी एक ऐप सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यही ऐप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों अब इस मखसूस ऐप के हिसाब से बता रहा है कि फ़लाँ मुल्क के इतने क्लिक्स हैं और इतना CTR है। तो कहीं भी आपको CTR 1% या 2% से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों इनवैलिड एक्टिविटी से बचने का यही तरीका है। पहले महीने में जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ प्रूफ दिखाए हैं तो वहाँ पे हमारा CTR ज़्यादा था, तो मेरी जो कटौती है वो भी आप देख सकते हैं ज़्यादा थी। फिर इसी तरह फरवरी के महीने में चले जाएं तो मेरी अर्निंग जो है वो $653 है, लेकिन उसमें से $134 कट जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है। तो उसकी रीज़न भी दोस्तों यही है कि हमें इतना ख़ास काम का पता नहीं था तो हम जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक जो भी था वो हमसे होते रहे हैं। तो उसके वजह से जो है वो हमारी जो अर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, यानी कि एस्टिमेटेड अर्निंग और फाइनलाइज अर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या करना है कि कंट्री का फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देख लें कंट्री के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट नहीं करते, यहाँ पे डेट सेलेक्ट होती है तो ये एक डेट के हिसाब से बताएगा। अब दोस्तों डेट के हिसाब से आप देखें यहाँ पे ये सारा ठीक बता रहा है, यानी कहीं भी 2% से CTR ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट कर लें तो फिर आपको पता चलेगा कि CTR कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। फ़िलहाल ये नहीं बता रहा क्योंकि हमने काम को कंट्रोल कर लिया था उस वक्त। तो दोस्तों आपको बस यही बताना था कि आपने जो है वो कंट्री के हिसाब से अपना CTR और अपनी क्लिक्स वगैरह अपने इंप्रेशन वगैरह को देखना है और उस हिसाब से कंट्रोल करना है। तो
दोस्तों जैसे जैसे हम CTR को कंट्रोल करते गए, यानी पहले महीने में हमारी जो अर्निंग थी वो सिर्फ $218 थी, तो 55 उसमें से कट गए। दूसरे महीने में हमारे 653 थे, तो 134 कट गए। लेकिन दोस्तों जब तीसरा महीना आया, हमें काम समझ आ गई, तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा अर्निंग थी, $1,686, और उसमें से सिर्फ $15 कट गए। तो ट्रिक क्या थी दोस्तों, कमाई की ट्रिक जो है वो अर्निंग की, वो तो मैंने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दी है। और जो इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक से बचने का तरीका है वो यही है कि जो मैं आपको वीडियोज़ में बार बार बता रहा हूँ, आप एक बार फिर सुन लें कि आप हर बार एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के बाद उसका डेटा लाजमी क्लियर करें, एप्लीकेशन का, उस ब्राउज़र का जिसमें आपका ऐड खुलता है, और वो VPN जो आप यूज़ करते हैं वो हर बार यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद दो बार चेक करें, आप उनका डेटा लाजमी क्लियर करें, वरना आपका एक तो इनवैलिड क्लिक होगा और दूसरा आपका अकाउंट भी ब्लॉक होने का खदशा है। और ICPC के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो सबसे पहला ऐड आपके पास खुलता है एप्लीकेशन खोलने के बाद, जो भी ऐड आपने लगा रखे हैं, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आता है, तो उस ऐड पे आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों देखें, जैसे जैसे हमने CTR को कंट्रोल किया तो हमारी जो डिटेक्शन काम होने लगी, और अभी जो प्रीवियसली मंथ गुजरा है अप्रैल, तो उसकी अर्निंग भी ऐड फाइनलाइज हुई है, तो वो भी आप देख लें कि हैरत अंगेज़ तौर पर $2600 में से सिर्फ और सिर्फ $10 उन्होंने काटे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों, 2600 में से अगर 600 भी कट जाए तो बंदा खुश होता है, लेकिन मेरे सिर्फ $10 काटे हैं। और बाद लोग ऐसे हैं कि जिनके 1000 में से 600-700 भी काट लिए हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, व्हाट्सअप पर कुछ चैट्स थी, यहाँ पे मेरे दोस्त जो हैं वो, मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ पे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, तो एक बंदे ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजे थे व्हाट्सअप में ग्रुप में, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बंदा है, अब इसका देखें टोटल अर्निंग थी $130, तो इसकी डिडक्शन हुई है $93। अब इसका या तो CTR का प्रॉब्लम था या ये हिस्ट्री वगैरह क्लियर नहीं कर रहा था, इस तरह कुछ। तो जैसे देखे मैंने व्हाट्सअप ऑन किया तो मैसेजेस आना शुरू हो गए। और इसी तरह ये बंदा है, इसकी आप देखें, अगर इसका CTR वगैरह कंट्रोल था, इसका मेंटेन था, तो इसके $300 में से सिर्फ $4 कट हुए हैं। तो ऐसे भी होता है दोस्तों, अगर आप काम ठीक करते हैं तो फिर आपका CTR भी मेंटेन रहता है और आपकी कटौती भी कम होती है। तो और भी बहुत से दोस्तों ने मुझे जो है वो अपने स्क्रीनशॉट्स इस ग्रुप में भेजे हैं। तो अभी ये देखें, इस बंदे का बैलेंस ऐड हुआ है सिर्फ $0.19, तो ये शायद इसने भी काम भी नया शुरू किया है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बंदे ने अपनी ऐप थी शायद, उस बंदे की ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश है। तो दोस्तों एक बात है, प्ले स्टोर पे जो ऐप होती है वो जेन्युइन होती है, वहाँ पे जो लोग हैं वो काम करते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो जो है वो जेन्युइन होती है, वो क्लिक्स के पैसे आपके रियल होते हैं। लेकिन दोस्तों जब कोई बंदा आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वो कभी भी ख्याल नहीं करेगा कि उसने ऐड पे किस वक्त क्लिक किया या उसने इंप्रेशन दी या नहीं दी, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। तो यही रीज़न होती है कि प्ले स्टोर की ऐप्स की अर्निंग जो फाइनलाइज होती है और जो असल होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे ये एक दोस्त हैं, नाम इनका मुझे नहीं आता, शायद प्रेम राय इस तरह का कोई नाम है, तो इनकी ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश है, इन्होंने यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। तो आप देखें इनकी अर्निंग जो थी वो तो $1,015 थी, लेकिन उसमें से $600 कट गए और इनके बच्चे हैं सिर्फ $370। अभी ये बता नहीं रहे, इन्होंने साइट पे नहीं दिखाया कि ये कौन से मंथ की है, लेकिन बहरहाल जो भी हो आप ये देख सकते हैं कि $1,000 में से 600 तकरीबन $700 इनके कट गए हैं। ये प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है इनकी। तो दोस्तों प्ले स्टोर पे जब आप काम करते हैं तो फिर आप श्योर नहीं होते कि आपके कितने पैसे कटेंगे या कितने पैसे बचेंगे, क्योंकि प्ले स्टोर पे आप एक हिसाब से नहीं चला सकते। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन पे ख़ुद काम कर रहे हैं तो तब आपको ख़ुद पता होगा कि आपने कितने क्लिक्स करने हैं और कितना इम्प्रेशन देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों एक अहम बात कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके मैसेज का रिस्पांस नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था होता, तो वहाँ पर मेरा नंबर भी मौजूद होता है, आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया करें। बहुत बंदों को AI फाइल चाहिए होती है, बाद में एप्लीकेशन वगैरह बनवानी होती हैं, या किसी का बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।